जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप से कर रहे हैं उनको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में उनको फाइकोलॉजी भी पढ़ना है और माइकोलॉजी भी पढ़ना है। तो आज जो चैप्टर हम आपको पढ़ाना चाहते हैं वो माइकोलॉजी से रिलेटेड है और माइकोलॉजी का जो सिलेबस आपको पढ़ना है उसमें आप देखिए तो आपको फंजाई का करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है जो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद क्लासिफिकेशन और जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो पहला डिवीजन पढ़ना है वो मिक्सोमाइकोटा। तो आज हम आपको मिक्सोमाइकोटा के बारे में बताएंगे। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत आने वाले सभी इंडिविजुअल्स को हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। तो आज आइए हम समझते हैं कि मिक्सोमाइकोटा कैसे हो। माइकोलॉजी, आप जानते होंगे कि पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत उन पौधों को रखा गया जिनमें सेक्स ऑर्गन हिडन थे, यानी सेक्स ऑर्गन दिखाई नहीं देते थे, विजिबल नहीं थे। और फेनरोग्राम्स में हम ऐसे पौधों को रखते हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें फ्लावर भी खिलते हैं, यानी इन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहा गया। और बाद में स्पर्मेटोफाइटा को दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जहाँ तक बात क्रिप्टोगैमिया की हम करें तो क्रिप्टोगैमिया को बांटा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा में भी दो ब्रांचेज हुई, वन इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, अदर इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फंगस की स्टडी करते हैं। माइकोटा को जी सी एल्सवर्थ ने सबसे प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया था और इसे दो भागों में बांट दिया था। इधर हम देख सकते हैं माइकोटा को किंगडम माना गया और इस किंगडम को माइकोटा को दो भागों में बांटा गया, दो डिवीजन में बांटा गया। वन इज कॉल्ड मिक्सोमाइकोटा और दूसरे को कहते हैं ईयूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल रखे गए उनमें एनिमल के और फंजाई के दोनों के करेक्टर दिखाई दे रहे थे। कुछ करेक्टर फंगस से मिल रहे थे तो कुछ करेक्टर उसके एनिमल से मिल रहे थे। तो ऐसे सारे इंडिविजुअल को जिनमें एनिमल का यानी अमीबा का करेक्टर था, मिक्सोमाइकोटा ने ऐसे सभी इंडिविजुअल्स को रख दिया गया जिनमें प्रोटोजोवा का करेक्टर था यानी अमीबा का करेक्टर था और कुछ करेक्टर उसके फंगस से टैली करते थे। मिक्सोमाइकोटा को हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं, जेली जैसे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कोई नाला यदि है या कहीं कोई पेड़ पौधा पत्ती या सड़ता हुआ लट्ठा आप देखिए तो उसके ऊपर कुछ चिकना चिकना सा एक लेयर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने म्यूकस वहाँ पर फेंक दिया हो, कुछ चिपचिपा सा, कुछ लस लसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंसवर्थ ने पहले तो माइकोटा को दो डिवीजन में बांटा और फिर मिक्सोमाइकोटा को चार क्लासेस में बांटा था, जबकि ईयूमाइकोटा के अंतर्गत ट्रू फंगस आते हैं। ईयूमाइकोटा में ऐसे इंडिविजुअल्स को रखा गया, ऐसे फंगस को रखा गया जिसमें फंगस के सारे करैक्टर मौजूद थे। और ईयूमाइकोटा को पहले सब डिवीजन में बांटा गया, पांच सब डिवीजन हैं इसके जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आज हम मिक्सोमाइकोटा ले रहे हैं तो मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल रखे गए उन्हें हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जेली जैसी दिखाई देती है, क्योंकि ये चिपचिपे से दिखाई देते हैं। आपको कहीं भी नाले में या कहीं कोई चीज़ सड़ रही है या कोई लट्ठा सड़ रहा है वहाँ आपको म्यूकस जैसा एक लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देता है, जेली जैसा अपीयरेंस है, चिपचिपा जेली जैसा अपीयरेंस है। दैट्स व्हाई ऑल द इंडिविजुअल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन मिक्सोमाइकोटा आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। एंसवर्थ क्लासिफाइड द मिक्सोमाइकोटा इंटू फोर क्लासेस लाइक एक्रेसियोमाइसिड्स, हाइड्रोमिक्सोमाइसिड्स, मिक्सोमाइसिड्स एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। यानी मिक्सोमाइकोटा को
चार क्लासेस में बांटा गया था, पुनः आपको याद करा रही हूँ। एक क्रेसियोमाइसेट्स, दूसरा जो क्लास था उसे कहते हैं हाइड्रोमिक्सोमाइसेट्स, तीसरी क्लास थी मिक्सोमाइसेट्स और चौथी क्लास थी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेट्स। इस तरह चार क्लासेस में मिक्सोमाइकोटा को बांटा गया, जिनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे। क्योंकि ये लेक्चर आपके बीएससी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में ना जाकर केवल जनरल करेक्टर इसके आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक याद दिलाना चाहूँगी आपको कि आर एच विथैकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच ग्रुप में बांटा था, पांच किंगडम दिया था। यहाँ मैं एन्सवर्थ के क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको आर एच विथैकर की भी याद दिलाना चाहूँगी। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांटा था, जिसे हम कहते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आर एच विथैकर ने स्लाइम मोल्ड को एक अलग किंगडम में रखा था, जिसे प्रोटेस्टा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी बुक में हो सकता है स्लाइम मोल्ड को लिखा गया हो कि ये प्रोटेस्टा है, और आपको बीएससी में, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एन्सवर्थ के द्वारा माइकोटा का क्लासिफिकेशन। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द क्लासिफिकेशन गिवन बाई, प्रपोज बाई जीसी एन्सवर्थ। फिर से एक बार आपको याद दिलाती हूँ कि माइकोटा किंगडम है, इस माइकोटा किंगडम को हम दो डिवीजन में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड मिक्सोमाइकोटा एंड अदर इज कॉल्ड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल आते हैं दे ऑल आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। व्हाई? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखाई देता है? जेली जैसा दिखाई देता है, चिपचिपा दिखाई देता है। ये कैसे स्थानों पे पाए जाते हैं? ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा हो, जैसे कोई लट्ठा सड़ रहा हो या कहीं कोई नाला है जहाँ बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट हो और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस वहाँ हो रही हो, तो ऐसी जगह पर स्लाइम मोल्ड पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि स्लाइम मोल्ड को या मिक्सोमाइकोटा को चार क्लासेस में बांटा है एन्सवर्थ ने, और ये क्लासेस थे एक क्रेसियोमाइसेट्स, हाइड्रोमिक्सोमाइसेट, मिक्सोमाइसेट्स और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेट्स। अगर हम यूमाइकोटा की बात करें तो इसे डायरेक्ट क्लासेस में नहीं बांटा था एन्सवर्थ ने, इसे पहले सब डिवीजन में बांटा, फिर सब डिवीजन को क्लासेस में बांटा था। तो यूमाइकोटा को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम ले रहे हैं यहाँ मिक्सोमाइकोटा। और मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल आएगा उसे हम क्या कहेंगे? स्लाइम मोल्ड कहेंगे। आइए हम देखते हैं इसके जनरल करैक्टर क्या है। देखिए, दीज आर फाउंड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर वेयर डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। डीकम्पोजिंग सबस्टेंस के ऊपर ग्रोथ होती है स्लाइम मोल्ड की, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। आपको नोट करने की जरूरत है, ये सेल वॉल इनके स्लाइम मोल्ड के ऊपर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल का ना पाया जाना यानी ये सिमिलरिटी दिखा रहा है किससे? प्रोटोजोआ से, यानी अमीबा से सिमिलरिटी दिखा रहा है, एनिमल से सिमिलरिटी दिखा रहा है, तो नो सेल वॉल। अगला पॉइंट अगर हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? देखिए, यहाँ हमको ये एक नेकेड प्रोटोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नेकेड प्रोटोप्लास्ट। और नेकेड प्रोटोप्लास्ट में हमको डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस हमको किस रूप में दिखाई दे रहा है? नेकेड प्रोटोप्लास्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसी स्टेज के बाद देखिए, यहाँ माइटोसिस होती है, माइटोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और किस प्रकार की माइटोसिस है? ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, इट मीन्स साइटोकाइनेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस।
हम जानते हैं माइटोसिस दो स्टेप में पूरी होती है, पहली स्टेप में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और दूसरे स्टेप में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। किंतु यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सेल का डिवीजन यहाँ नहीं हो रहा, प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है, यानी एक बड़ा सा प्रोटोप्लाज्म फैलता हुआ एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म विच हैज लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड नेकेड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो यहाँ हमने ये बताने की कोशिश की है कि स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ये सैप्रोफाइट्स हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन होते हुए सब्सटेंस पर पाए जाते हैं, सड़ी गली चीजों पर ये ग्रो करते हैं और म्यूकस की तरह दिखाई देते हैं या जेली की तरह दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट को यदि हम देखें तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है या सैप्रोफिटिक है वो कैसा है, फैगोजोइक है या इसे हम फैगोट्रॉपिक भी कहते हैं। और फैगोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि ये अमीबा की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी इनमें क्या होता है, यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि ये जो स्लाइम मोल्ड है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेटरोट्रॉप्स हैं और ये सैप्रोफिटिक हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इनका जो फीडिंग का जो तरीका है, ये जिस तरीके से भोजन को या प्रे को इनगल्प करते हैं वो टैली करता है अमीबा से। मान लिया ये स्लाइम मोल्ड है और ये प्रे है, इसका ये शिकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये प्रे की ओर बढ़ता रहता है और ये स्लाइम मोल्ड अपने प्रे की ओर, अपने भोजन की ओर बढ़ रहा है। अगली स्थिति में हम इसे इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इसने इस प्रे को एंगल्फ करने की कोशिश की है और लास्ट स्टेज इसकी कैसी हो जाती है, जो स्लाइम मोल्ड है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है और ये डेड ऑर्गेनिक कंटेंट पर पाए जाते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये बैक्टीरिया की भी फीडिंग कर लेता है, ये बैक्टीरिया को भी खा लेता है, फंजाई को भी खा लेता है। मान लिया ये इसका भोजन है, ये इसका प्रे है और ये हमारा स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड जब प्रे के या अब जिसे इसको खाना है, जिसे इसे फीड करना है उसके पास पहुंचता है तो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, अपने साइटोप्लाज्म को ढकेलता है प्रे की ओर और चारों ओर से उसे घेरने की कोशिश करता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चारों ओर से इनसर्कल कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है। अगला स्टेप ये होता है कि अब जो ये स्लाइम मोल्ड है ये अपनी बॉडी से क्या सिक्रीट करेगा, इंजाइम सिक्रीट करेगा, ये इंजाइम सिक्रीट करेगा और यह स्लाइम मोल्ड इंजाइम सिक्रीट करेगा और ये इंजाइम जो प्रे है यानी जो जिस चीज को इसने इंगल्फ किया है उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे, उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंपलर वन में बना करके और फिर इनकी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ फिर लास्ट स्थिति क्या हो जाएगी कि हमको अब यहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर अंदर दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ऑल द पार्ट ऑफ द प्रे इज डाइजेस्टेड बाई द स्लाइम मोल्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लाइम मोल्ड ने पूरा जो कुछ अंदर था ऑर्गेनिक मैटर जो इसने इंगल्फ किया था उसे पूरी तरीके से इसने डाइजेस्ट कर लिया है और अब यहाँ हमको कोई अस्तित्व इस रेड कलर के प्रे का नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्लाइम मोल्ड के हम अगले पॉइंट को देखते हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। मैंने अभी यही कहा था कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो नेकेड प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, नेकेड प्रोटोप्लाज्म, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, सो द सिमिलरिटी विद द एनिमल्स। लेकिन यहाँ मैं देखिए लिख रही हूँ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। मैंने आपसे क्या कहा था,
कि ये नेकेड प्रोटोप्लाज्म होता है, इस पर कोई सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, सेल वॉल मेकअप ऑफ सेलुलोज, यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो स्लाइम वॉल में एक पॉइंट आपको याद ही करना पड़ेगा कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल अगर पाई जाती है तो वो केवल स्पोर के ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली ऑन द स्पोर, यानी इसके जीवन के एक फेज में ही हमको सेल वॉल दिखाई देती है, एंड दैट फेज इज द स्पोर। और हम जानते हैं कि फंजाई के केस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड के स्पोर के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की नहीं बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह अगर इसके हम अगले पॉइंट को देखें तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन हमको इस केस में दिखाई देता है। यहाँ अगर इस प्लाज्मोडियम को देखें, हमने आपसे क्या कहा, स्लाइम मोल्ड इज नेकेड प्रोटोप्लाज्म विदाउट द सेल वॉल, एंड प्लाज्मोडियम इज दैट स्टेज व्हेन द प्रोटोप्लाज्म बियर लॉट नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि इस नेकेड प्रोटोप्लाज्म में खूब सारे हमको न्यूमरस सिनोसिटिक कंडीशन में हमको यहाँ पर दिखाई देता है प्लाज्मोडियम, कि नेकेड प्रोटोप्लाज्म में ढेर सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं। अब जब धीरे धीरे जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं, अगर डेड ऑर्गेनिक कॉन्टेंट धीरे धीरे इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया है और वो खत्म हो गया है, वहाँ से समाप्ति की ओर है, तो ऐसा कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में अब प्लाज्मोडियम सरफेस के ऊपर उभरना शुरू करता है, सबस्टेटम के ऊपर उभरना शुरू करता है, और एक ऐसी बॉडी, स्टार्ड बॉडी जो ऊपर की ओर ग्लोबोज होती है, ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम इसको रेंजियम कहते हैं। यहाँ देखिए ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, दीज आल आर, ये कैसे न्यूक्लियस हैं, डिप्लॉयड हैं, दीज आर डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और यही डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ इसके अंदर क्या हो जाता है, मीओसिस हो जाती है। हम जानते हैं कि सेल में डिवीजन दो प्रकार से होता है, वन इज माइटोसिस, अदर इज मीओसिस। लुक हियर, माइटोसिस टेक्स प्लेस हियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, और जब प्लाज्मोडियम स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा होता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, उस समय हम क्या देखते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हो जाती है, यानी जितने भी न्यूक्लियस हैं वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन में हो जाते हैं, और सभी हैप्लॉयड न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अपने चारों ओर इकट्ठा करके स्पोर का रूप ले लेते हैं, स्पोर के ऊपर सेल वॉल डेवलप हो जाती है, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इंस्टीड ऑफ काइटिन, जबकि फंगस में हम जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन इसके ऊपर जो सेल वॉल डेवलप होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। वन थिंग मोर हियर, हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि प्लाज्मोडियम का, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि स्लाइम मोल्ड का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे इसने इस ऑर्गेनिक कंटेंट को या इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो यहाँ जो रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्लाइम मोल्ड विच शोज सिमिलरिटी विद द फंजाई। फंजाई से, फंगस से देखिए सिमिलरिटी है, ये अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल इसकी बॉडी में कलेक्ट होता है वो स्टार्च के रूप में नहीं होता है, फंजाई हमेशा अपने रिजर्व फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करती है। यहाँ मैं देखिए बता रही थी कि ये स्पोरेंजियम डेवलप हुआ, स्पोरेंजियम में मियोसिस हुई, सारे न्यूक्लियस हैप्लॉयड हो गए, प्रत्येक न्यूक्लियस ने थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट किया और स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया, स्पोर के ऊपर सेल वॉल डेवलप हो गया,
इस पॉइंट को आपको याद करना होगा कि सेल वॉल का फॉर्मेशन स्पोर बनने के समय होता है, स्पोर के ऊपर होता है, और इसकी सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, अनफेवरेबल कंडीशन को भी सह लेने की क्षमता होती है। मान लें कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गायब हो जाए, ड्राई कंडीशन हो जाए, देन एट दैट टाइम दीज स्पोर्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर, ये हवा में उड़ते हैं और बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं, और जहां भी मॉइस्चर होता है, कोई डिकम्पोजिंग सबस्टेंस है उसके ऊपर जब गिरते हैं तो फिर से ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे, ये देखिए सेल वॉल, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सेक्सुअल स्पोर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ता है। स्लाइम मोल्ड ने, प्लाज्मोडियम ने स्पोरेंजिया बनाई, स्पोरेंजिया ने स्पोर बनाया, स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इसकी सेल वॉल स्प्लिट कर जाती है, फट जाती है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अमीबा की तरह बाहर निकल आता है, ये नेकेड प्रोटोप्लाज्म है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्लाइम मोल्ड, ये नेकेड प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम मिक्सो अमीबाई भी कहते हैं, इसे मिक्स अमीबाई भी कहते हैं, या इसे मिक्स अमीबा कहते हैं। और अगर इसमें फ्लैजिलेटेड बॉडी निकल आई है तो एंटीरियर साइड से एक बड़ा फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला निकलता है, फ्लैजिलेटेड बॉडी को हम स्वार्म सेल्स कहते हैं। जब एक्वेटिक कंडीशन होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो स्वार्म सेल्स का फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और जब कंडीशन ड्राई होने लगता है ऐसे कंडीशन में इस तरह नेकेड प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट इज नॉट मोटाइल। बट इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये दोनों अमीबॉइड सेल्स पास पास आते हैं और दोनों एक में मिलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि कैरियोगैमी भी हुई। ये देखिए कैरियन है, कैरियन फ्यूज होके देखिए दोनों कैरियन मिल गए, यानी ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस में बदल गया है, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है उनका भी आपस में फ्यूजन हुआ है, यानी यहाँ पर कैरियोगैमी भी हुई है और प्लाज्मोगैमी भी हुई है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में माइटोसिस शुरू होती है, और कैसी माइटोसिस, स्पेशल टाइप की, क्योंकि इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, केवल कैरियन, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो स्थिति क्या होती है कि एक नेकेड बड़े से प्रोटोप्लाज्म की साइज बढ़ती जाती है, ये माइक्रॉन से लेकर 1.5 फीट तक की हाइट तक का प्रोटोप्लाज्म इसका एक्सपेंड कर जाता है, और आप कहीं बिल्कुल ऐसा देखते हैं कि जैसे कोई जेली, कोई जिलेटिनस चीज बहती जा रही है पानी में, ऐसा दिखाई देता है। तो आप इसने यहाँ डेवलप कर लिया खूब सारे न्यूक्लियस, और इस बड़े से एक्सपेंडेड प्रोटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस तरह ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। हमने इसके करेक्टर्स आपको बताने की कोशिश किया कि ये डेड ऑर्गेनिक कंटेंट पर पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड में दोनों के करेक्टर होते हैं, एनिमल के और फंजाई के करेक्टर होते हैं। एनिमल का करेक्टर इनका क्या है, ये फैगोजोइक होते हैं या फैगोट्रॉपिक होते हैं, या कह लीजिए होडोजोइक होते हैं, एनिमल की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, ये सैप्रोफाइट होते हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये भी इनका करेक्टर एनिमल से मिलता है, लेकिन स्पोर्स पर सेल वॉल पाई जाती है, यानी ये करेक्टर इनका फंजाई से मिलता है, फंगस से मिलता है, और तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन। इस तरह हमने आज कोशिश की आपको मिक्सो माइकोटा को बताने की, तो एंसवर्थ ने मिक्सो माइकोटा को डिस्क्राइब